जय साई राम। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो आपको मिलते रहें। हम प्रतिदिन एक उपाय बताते हैं और ये उपाय आपके ग्रहों को आपकी फेवर में रखता है। एक व्यक्ति कहता है कि मेरा बृहस्पति बहुत उच्च का है। अब उस व्यक्ति ने नॉन वेज खाया या कुछ ऐसा किया जिससे बृहस्पति नीच के हो गए तो नुकसान करने लगते हैं। एक व्यक्ति कहता है मेरा राहु मेरी फेवर में है या मेरा शनि अच्छा है, परंतु अब शनि की कुछ लिमिटेशंस है, जब हम उनको पार कर लेते हैं तो शनि या राहु नुकसान करने लग जाते हैं, परंतु जब आप हमारे प्रतिदिन के उपाय करते हैं तो ग्रह आपकी फेवर में रहते हैं और नुकसान नहीं होता है। ये एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। ग्रहों का उच्च होना नीच होना एक अलग बात है, परंतु ग्रहों का आपकी फेवर में होना अलग बात है। नीच ग्रह भी आपकी फेवर में हो सकते हैं और जो आपके उच्च के ग्रह हैं वो आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। इसलिए फेवर में होना जरूरी है, तभी आपको लाभ देंगे। यदि फेवर में नहीं है तो लाभ नहीं देंगे। तो आज हम रविवार का उपाय करने वाले हैं ताकि सूर्य हमारी फेवर में हो। सूर्य को जल दीजिए और साथ में आपने सूर्य को जल दे लिया, अब आप गुड़ का दान करेंगे। गुड़ का और गेहूं का दान कर दीजिए। गेहूं नहीं है तो आटा दान कर दीजिए और गुड़ दान कर दीजिए। आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा, सुख मिलेगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई सवाल है तो व्हाट्सएप कीजिए और यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तब भी व्हाट्सएप कीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।